Good afternoon to you, sir. Good afternoon. So before we start with anything, may I know your name and how long have you been practicing? Where are you practicing it? Over to you. मैं डॉक्टर आनंद शर्मा, हमारा अकोला में, महाराष्ट्र में नेफ्रोन किडनी केयर यूनिट के यूरोलॉजी सेंटर है, जहाँ पर हम स्टोन, प्रोस्टेट्स और बाकी भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं. मुझे अभी अकोला में आके 9 साल हो चुके हैं. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन मैनेजमेंट पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर टू यू. सो व्हाई डू यू थिंक द नंबर ऑफ केसेस फॉर किडनी स्टोन आर ऑन द राइज? देखिए, आज हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बात करते हैं तो नेचुरली टेम्परेचर बढ़ रहा है और उस प्रमाण से हमारा पानी जो लेने का प्रमाण है वो नहीं मैच हो पा रहा है. सेकेंडली, हमारे कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो गए और बाकी भी पनीर चीज़ एंड हम बाकी भी चीज़ों का बोलते हैं. ये सब चीज़ों का प्रमाण बढ़ने के वजह से स्टोन्स का काफ़ी प्रमाण भी बढ़ रहा है. ओके, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. इन योर एक्सपीरियंस, व्हाट प्रिकॉशन कैन इफेक्टिवली टेकन बाय द पेशेंट टू अवॉइड गेटिंग किडनी स्टोन और इफ दे हैव हैड इट टू नॉट गेटिंग रिकरेंट स्टोन? देखिए, स्टोन्स हो रहे हैं मतलब आगे भी हो सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहले तो वो हो ही ना, और अगर होते भी है बार बार तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सो जैसे हमने अभी कहा कि वाटर इनटेक, पानी बहुत ज़्यादा पीना है. कम से कम अगर हमको किसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से हम पानी नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है, तो 4 से 5 लीटर डेली एक एडल्ट ने पानी पीना चाहिए कम से कम. और बाकी भी डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे हमने भी कहा कि नॉनवेज फूड्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, देन पनीर, चीज़, चॉकलेट्स कम खाने चाहिए, देन ड्राई फ्रूट्स में कुछ है जैसे काजू वगैरह हो गए, वो हमने अवॉइड करने चाहिए. और सबसे मेन तो यही है कि वाटर इनटेक हमारा ज़्यादा होना चाहिए. और बाकी भी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, बट काफ़ी कुछ चीज़ें हम फॉलो नहीं कर सकते, जैसे पालक, टमाटर, ये सब बहुत लंबा लिस्ट है. बट मेनली दीज थिंग्स हमको फोकस करना है, और सबसे मेन क्रक्स यही है कि हमको वाटर इनटेक सबसे ज़्यादा रखना है. हेडिंग टू वाज़ द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट किडनी स्टोन्स? एक्चुअली देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस, उसमें कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है मुझे लगता है कि हमने शेयर करना चाहिए. सबसे पहला सवाल पेशेंट की तरफ से होता है कि सर हमने पानी कौन सा पीना चाहिए. एक्चुअली देखिए, आजकल पानी का क्रंच बहुत सारे जगह पर है. सबसे बेस्ट पानी जो है हमारा कॉरपोरेशन हमको जो सप्लाई करता है, सबसे बेस्ट पानी वो है. सेकेंडली, TDS के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर वगैरह बहुत लोग पीते हैं. सो इफ़ एट ऑल, देखिए, अगर कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है तो आपको कोई RO मशीन या कुछ यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हमको उसका RO वाटर, RO जो प्लांट रहता है उसका हमको एक TDS सेट करना होता है. सो जनरली एक अराउंड 50 to 150 के बीच में हम अगर इसका TDS रखते हैं, सो इट इज़ गुड. लेस देन दैट इज़ नॉट गुड, उससे ज़्यादा भी हार्मफुल है. सो एक ये इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे कन्वे करना है. सेकेंडली, अल्कोहल, कुछ लोग पेशेंट्स भी पूछते हैं कि हम स्टोन्स हुए तो बियर वगैरह कुछ लेना चाहिए क्या. सो ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली इसका मैकेनिज्म एक ही है कि हम जब भी बियर वगैरह कुछ लेते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, पेशाब ज़्यादा आता है. सो हम अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो वैसे भी बढ़ेगा. सो नीड नॉट टू गो, वो वैसे हमको नहीं जाना है. सेकेंडली, कुछ नई स्टडीज़ है जिससे हमें ये भी पता चला है कि बियर्स से उनके कंटेंट के वजह से स्टोन्स बढ़ते भी हैं. सो ये मिसकंसेप्शन काफ़ी हद तक मुझे लगता है काफ़ी लोगों में है और ये हमको क्लियर करना चाहिए. हेडिंग टू वाज़ द लास्ट वन. व्हाट आर योर गो टू किडनी स्टोन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस टू पेशेंट? देखिए, सबसे पहला तो सॉल्यूशन से ज़्यादा पहले प्रिवेंशन आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो डाइट फैक्टर्स जो हमने किया और सबसे मेन वाटर इनटेक रखना है. सॉल्यूशंस में छोटे स्टोन्स अगर है 4-5 mm, 6 mm तक के स्टोन्स जनरली मेडिकल मैनेजमेंट से हो जाते हैं, वो कोई भी तरीके का रहे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो भी, बट क्वालिफाइड डॉक्टर से हमने लेना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा स्टोन्स, उससे ज़्यादा साइज़ का स्टोन्स है तो हमको डेफिनेटली कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करना पड़ सकता है, जिसमें आजकल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है जिससे कोई कट्स नहीं रहते, जैसे कि यूरेट्रोस्कोपी हो गई, RIRS हो गया. सो वो साइज़ और लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, बट लेज़र्स आने की वजह से काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है, जिससे सर्जरीज काफ़ी आसान हुई है और रिकवरी भी काफ़ी आसान है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. वेल, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.